अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेबलिन का प्राइमर, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लास्ट में प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का प्राइमर, ठीक है, बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर। ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में है, आप देख सकते हो। और सारी प्रोडक्ट इन्होंने डिस्क्रिप्शन इसमें लिख दी है। और ये कितने ml है, 22 आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये 22 ml की है। और यकीन माने ये बहुत ही मज़े का प्राइमर है। इसकी क्या तारीफ करूँ मैं, लाइट वेट प्राइमर है। आपकी स्किन पर जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बिल्कुल स्मूथ अप्लाई हो जाता है ना, और आपको ऐसा हैवी हैवी फील नहीं होता। लाइक कुछ प्राइमर्स ऐसे होते हैं कि आप अपनी स्किन पर लगाओ तो वो स्टिकी पन ज़्यादा फील करवाते, यानी कि चिप चिप सी। तो इससे लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता, आपके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छे से फिल हो जाता है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक ऐसी लेयर होती है, यकीनन तकरीबन लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, प्राइमर एक ऐसी लेयर है जो आप अपनी स्किन पे फाउंडेशन लगाने से पहले यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन मेकअप करने से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्किन पर डायरेक्ट फाउंडेशन स्टिक्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। दैट्स वाई उनकी स्किन जो होती है उसके अंदर उसमें मेकअप फिल हो जाता है, देन एक्नी प्रॉब्लम्स वगैरह ये चीज़ें फिर फेस करनी पड़ती हैं। तो दैट्स वाई अपनी स्किन को सेफ़ रखने के लिए हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं। और यहाँ जो मैं लेकर आई हूँ, अब हर ब्रांड ने प्राइमर्स निकाल दिए हैं, लेकिन जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो मेबलिन का लेकर आई हूँ। मैं मेबलिन का प्राइमर यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो तभी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ अपना रिव्यू। प्राइमर काफ़ी तरह के आते हैं, लाइक क्रीम कंसिस्टेंसी में आते हैं, और जैसे एक जेल ट्रांसपेरेंट टाइप भी आते हैं, और कुछ थोड़ा सा ड्यूई इफेक्ट देने के लिए हाइलाइटर्स भी उनके अंदर एड्स होते हैं ना, ठीक है। ओके जी, तो इस प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं कि मेंशन है ओनली फॉर अडल्ट, ठीक है। ये अडल्ट जो पीपल्स हैं, यानी कि हम जैसे लोगों की ये यूज़ करते हैं अपने फेस पे, आप बच्चों के हाथ में, बच्चों से बल्कि हाथ में मत दीजिएगा और उनसे दूर रखिएगा, ठीक है ना। ओके जी, तो इस प्रोडक्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपायरी भी मेंशन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है 999, ठीक है ना, 999 प्राइस भी मेंशन है। अब की प्राइस मुझे पता नहीं कि अब इन्होंने क्या प्राइस होगी, सो वो आप लोग, ये आपको अच्छा कहाँ से मिल सकता है, ये आपको जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है इजीली। और इसमें ओरिजिनल भी आता है, फेक भी आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने वैसे वेबसाइट से बाय किया था, आप चाहो तो वेबसाइट इनकी पे जाके आप वहाँ पे से ले सकते हो। ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है और पॉरलेस बनाता है, लुकिंग स्किन वेरी सॉफ्ट एंड बेबी स्किन। ओके, तो यहाँ पीछे इन्होंने एप्लीकेशन टिप बताई हुई है आपको, अप्लाई अलोन और अंडर मेकअप ओनली फॉर अडल्ट, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो, इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी भी दी हुई है, ठीक है, ये देखें 24 मंथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके जी, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमर आपने कब लगाना होता है, फाउंडेशन से पहले लगाना होता है, ठीक है। आपने पहले आपने फेस वॉश कर लेना है, ठीक है, मेकअप करने से पहले आपने फेस को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। देन उसके बाद आपकी अगर ड्राई स्किन है तो भी, और ड्राई स्किन वाले जो हैं वो
क्रीम वाले जो होते हैं ना प्राइमर, वो यूज़ करें। ये क्रीम वाला नहीं है, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप, जेल टाइप है, और कुछ बिल्कुल जेल वाले आते हैं। तो ये ना ज़्यादा जेल वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक है और ट्रांसपेरेंट है। मैं इसकी अभी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाऊँगी। देन आपने क्लीन कर लिया अपना फेस। क्लीन फेस करने के बाद आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर इसको लगा लेना है, ठीक है, प्राइमर को लगा लेना है। और आपने फिर इसको लगाने के बाद, आई डोंट नो मेरा कैमरा, यस जूमिंग पकड़ ली, तो आप लोगों ने ये अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट्स वेट करना है। कुछ लोग 5 मिनट्स भी वेट करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा 10 to 15 मिनट रुक जाती हूँ। हाँ, अगर आपने जल्दी जल्दी आपने मेकअप करना है तो आप 5 मिनट्स, हाँ क्या कहते हैं, 5 मिनट बाद अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये जो है वो बहुत जल्दी वर्क करता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्स अपीयर इंस्टेंटली रेज्ड फॉर स्मूथ लुकिंग स्किन, यानी कि ये बहुत जल्दी से आपकी स्किन के अंदर यूँ कहें कि एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, स्किन को स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और जब आप फाउंडेशन लगाते हो ना, तो इतनी अच्छी अप्लाई होती है, इतनी अच्छी अप्लाई होती है, लाइक एक जो फाउंडेशन लगाने की फिनिश आती है उसमें, मैं आपको बता नहीं सकती ना। वो जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ही आप लोगों को आइडिया होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि ये किससे वर्क करती है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्राइमर यूज़ करो, आप बहुत सी कंपनीज़ के, हर ब्रांड्स के प्राइमर आ गए हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो जितनी आपकी पॉकेट मनी आपको इजाज़त दे, ठीक है। तो अब मैं, ठीक है जी, बाकी इनकी पैकेजिंग को 10 out of 10 देंगे। बहुत ही खूबसूरत इनकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और चलें अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये मेरा बार बार कैमरा पता नहीं क्यों फोकस छोड़ता है, आई डोंट नो। ठीक है, अब मैं यहीं पर ही अपने हैंड पर, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा, मैंने वैसे ये देखे इतना काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, प्रेस कर रही हूँ तो काफ़ी ज़ोर से प्रेस करने के बाद आपको ये ट्यूब में से निकलेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें जी, निकल रहा है, सही है, ये देखें आप। आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो, ये ट्रांसपेरेंट है, वाइट नहीं है ये जी, ठीक है ना, ये है ट्रांसपेरेंट। और ये इतनी अच्छा है स्मूथ, ये देखें, आपको मेरी फिंगर पे दिखा रहा होगा ये। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ये देखें, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा हो जी, दिख रहा है, यस। तो ये देखें आप कितना स्मूथ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे, ये देखें, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे आप स्किन पर। ज़्यादातर आप ये जो है ना अप्लाई कीजिए कि अपने फॉरहेड और टी जोन एरिया पर, ठीक है, और कुछ लोग चिन पर भी यूज़ करते हैं, और बिल्कुल लाइट सा मैं तो यूज़ करती हूँ चीक्स पर, ठीक है ना। जहाँ से आप लोगों को लगे कि आपकी जो फेस पर जहाँ पे ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से ना लाइंस आ जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, आप कितना भी उनको अच्छी से अच्छी फाउंडेशन अप्लाई कर लो तो, लेकिन वो वैसी बात नहीं आती, फिर भी क्रैक हो ही जाती है। और आप यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसा मैं हाथ लगा के फील कर रही हूँ, मेरी स्किन इतनी स्मूथ लग रही है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, सच में सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल बेबी स्किन, ये देख लें। और इसकी कोई शाइनी नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई शाइन वगैरह नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये मैट है, बिल्कुल मैट है, और ना ही इसमें ज़्यादा स्टिकीनेस है कि आपको चिप चिप सी फील हो, ऐसा इस प्रोडक्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप लोगों ने ये यूज़ जिन्होंने की हुई है, वो प्लीज़ मेरे साथ इसका फीडबैक, रिव्यू वगैरह जो भी है
वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में बताएं कि और मैं कौन से टॉपिक्स लेकर आऊं आप लोगों के लिए जो अच्छी आपके लिए गाइड करने के लिए हो, तो मैं डेफिनेटली उन पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाकी मेबलिन का जो प्राइमर है बेस्ट 10 out of 10, ठीक है जी, तो गुड हो गया है। चलें अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अल्लाह हाफ़िज़।